हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हिर्स किचन। हियर इज द रेसिपी ऑफ वेज बटर मसाला। बट उससे पहले प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस बेल बटन ऑन द राइट हैंड साइड। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं बनाने जा रही हूँ पनीर बटर मसाला। एक्चुअली मैं बनाऊंगी वेज बटर मसाला, क्योंकि मैं आज मेरे पास पनीर नहीं है और राइट नाउ आई एम बिजी, सो मैं ये बना रही हूं। सो मैंने उसके लिए एक कढ़ाई ली है। कढ़ाई में मैं थोड़ा सा अराउंड 1 टेबलस्पून जितना घी ऐड करूंगी। आप बटर भी यूज कर सकते हैं, और 1 टेबलस्पून जितना ऑयल यूज करूंगी। और गैस का फ्लेम ऑन कर रही हूं, इसको गरम होने देते हैं। आप ऐसा जरूरी नहीं है, वेजिटेबल बटर मसाला भी आप बना सकते हो, वो डिपेंड है आपके ऊपर। ये मैंने कुछ नया इन्वेंट किया है, वेजिटेबल बटर मसाला। और वैसे भी मेरे हस्बैंड थोड़े डाइट के ज्यादा इंटरेस्टेड है, सो मैं ये प्रेफर करूंगी, मीन्स वेज बटर मसाला, टोटली वेजिटेबल। एंड विंटर में वेजिटेबल भी इजिली अवेलेबल होते हैं, सो मैंने ऐसा सोचा कि आज कुछ नया करते हैं। सो मैंने उसके लिए एक पैन लिया है और उसमें मैं ये गरम करने के लिए रख दिया है। तो अभी ये हिट हो चुका है। अभी मैं इसमें ऐड करूंगी 1/2 टेबलस्पून जितना गार्लिक और जिंजर की पेस्ट। इसको हम थोड़ा सा सौते कर देते हैं। अभी इसमें मैं ग्रीन पीस ऐड करूंगी, वो 1/2 बोल मैंने यूज किया है। उसके साथ फ्लावर, कैरेट, वो भी मैंने 1/2 बोल जितना लिया है। इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। एंड बीन्स, वो मैंने 1 टेबलस्पून जितना लिया है। इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। एंड अभी मैं इसमें सॉल्ट ऐड करूंगी और इसका लिड क्लोज कर दूंगी, तो ये थोड़ा अच्छे से पक जाए। हम इसका लीड क्लोज कर देंगे। इसको हम 6 से 7 मिनट तक ये सारे वेजेस पकने देंगे। इन बिटवीन मैं लीड को हटा दूंगी और थोड़ा सा पानी ऐड करूंगी, अराउंड 1/2 ग्लास, सो ये अच्छे से पक जाए। अभी इसको हम बंद कर देंगे और 5 से 6 मिनट तक कुक होने देते हैं। अभी हम इसका लीड हटा के देखते हैं। देखिए, ये अच्छे से कुक हो गई है। अभी मैं इसको एक प्लेट में निकाल लूंगी, देन हम आगे की प्रोसेस करेंगे। अभी मैंने वो ही पैन में थोड़ा सा मैं ऑयल ऐड करूंगी, 1 टेबलस्पून जितना, और उसमें मैं टमाटर और अनियन की मैंने पेस्ट करके रखी थी, वो इसमें मैं ऐड करूंगी। अब हम इसकी ग्रेवी बनाएंगे, तो उसके लिए मैंने ये ऑलरेडी चॉप करके रखी थी। उसमें मैंने 2 मीडियम साइज टमाटर लिए थे और 1 अनियन ली थी, उसको मैंने कटर में चॉप कर दिया था। सो अभी इसे भी हम अच्छे से सौते होने देंगे थोड़ा। ये अच्छे से सौते हो चुका है। अभी इसमें मैं ऐड करूंगी 1 ग्रीन चिली जो मैंने काट के रखी थी छोटे छोटे पीसेस में, एंड 1 बोल जितना कैप्सिकम। अभी इसको भी थोड़ा हम
सौते होने देते हैं। दो मिनट तक। अभी इसमें हमने जो आगे वेजेस को जो अच्छे से पकाया था ये मैं इसमें ऐड कर दूंगी। ये मैंने सारे वेजेस ऐड कर दिए हैं। अभी अगेन हम इसे 1 मिनट तक पकाएंगे। अभी मैं इसमें एक्चुअली मैंने आपको आगे बताया मैं थोड़ा बिजी हूं तो मैं थोड़ा इंस्टेंट मिक्स यूज कर रही हूं। सो उसके लिए मैंने सुहाना का ये पनीर बटर मसाला का पैक लिया है। सो इसको मैं मिल्क में खाली इस मिक्सचर को मिक्स करना है और ऐसी इसकी पेस्ट बनानी है। ये इसमें मैं ऐड करूंगी। अभी वो पेस्ट को हम ऐड करेंगे। देखिए इसमें मैंने पेस्ट ऐड कर दी है। अभी इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसमें बाकी के मसाले ऐड कर देंगे। बाकी के मसालों में मैं 1/2 टीस्पून हल्दी, टर्मरिक, 1 टीस्पून जितना लाल मिर्च पाउडर, इसको हम मिक्स कर लेंगे, और सॉल्ट एज पर टेस्ट। मैंने आगे भी थोड़ा ऐड किया था तो इसमें मैं थोड़ा कम ऐड करूंगी। अभी इसमें मैं थोड़ा पानी ऐड करूंगी, अराउंड 1/2 ग्लास जितना, और इसे अगेन 1 मिनट तक हम कुक होने देंगे। देखिए कितना अच्छा कलर आया है। अभी इसको हम कुक होने देंगे 1 मिनट तक। मैंने लीड क्लोज कर दिया है। अभी इसका मैं लीड हटा रही हूं। देखिए कितना बढ़िया कलर आया है। इसको आप रोटी, पराठे, नान किसी के साथ खा सकते हैं। इसको अभी मैं सर्विंग बोल में निकाल रही हूं। देखिए मैंने इसको सर्विंग बोल में निकाल लिया है। अभी मैं इसमें ऐड करूंगी कोरिएंडर, फ्रेश कोरिएंडर आप इसमें ऐड कर सकते हैं, ऊपर से स्प्रिंकल करनी है, एंड फाइनली ये मैंने इसका नाम रखा है वेज बटर मसाला। सो उसमें मैं ऐड करूंगी बटर। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।